हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई आपकी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं काबुली चने के छोले और भटूरे। छोले आज हम थोड़े से अलग ट्रिक से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करें। छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोले पहले से भिगा के रख दिए थे। ये छोले हैं 250 ग्राम छोला लिया था हमने और इसको 4-5 घंटे के लिए भिगा के रख दिए थे। उससे पहले हम कुकर में काबुली चने डाल देंगे छोले का तरीके से। और इसमें हमने लिया है 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, ये डाल देंगे। और पानी, पानी छोले में बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि छोले पानी में ज्यादा इधर उधर करते तो अच्छे से पकते नहीं हैं। इसमें पानी जो है छोले में केवल छोला भीग जाए अच्छे से। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसमें हम 2 ग्लास फुल भर के पानी डाल दिए हैं। और इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम ले रहे हैं इसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून की मात्रा है इसमें, और 1 टेबल स्पून नमक। इसको हम डाल के गैस पे चढ़ा देंगे चूल्हे को। और इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल के 2-3 सीटी आ जाए उसके बाद आंच को कम कर देंगे, ताकि छोला थोड़ी देर तक अच्छे से पक जाए। छोले उबलने के लिए हमने रख दिए हैं, अब तब तक हम भटूरे की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने इसमें लिया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा, 1-1 कप दोनों है इसमें मात्रा। और इसमें हम दही लिए हैं, 3-4 टेबल स्पून दही डाल देंगे इसमें। और 1 उबला हुआ आलू लिया है हमने, इसको भी इसमें हम घिस के डाल देंगे इस तरीके से, क्रश करके आलू डाल देंगे। आटा हमने लगा लिया है, इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1/2 टीस्पून से कम बेकिंग सोडा डाल के और हल्का सा ऑयल ग्रीस करके ऐसे आटा लगा के हम 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। तेल गरम हो गया है बढ़िया से। अब इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्ची लिया हमने। और इसमें हमने लिया है 4 लौंग, 7-8 काली मिर्च और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये भी हम डाल देंगे। और जीरा, जीरा इसमें है 1 टीस्पून जीरा। और इसके बाद हींग, हींग बहुत थोड़ी मात्रा, पिंच भर का हींग डाल देंगे थोड़ा सा। और प्याज, इसमें प्याज हमने लिया है 2 बड़े फुल साइज़ के प्याज हैं, और इसको इस तरीके से काटिए छल्ले जैसे छोटे छोटे, तो इस तरह से प्याज छोले में बहुत अच्छे दिखते हैं, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा सुनहला कलर होने तक हल्का हल्का इसको पहले हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम डाले हैं 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, तरह से इसमें मसाले थोड़े से डाल देंगे पहले और इसको हल्का सा चला लेंगे। देखिए इस तरीके से क्या होता है, अगर आप पहले से इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालते हैं तो छोले का जो कलर होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया एकदम आता है लाल थोड़ा सा लेकर के, इसलिए हम पहले इसमें डाल देते हैं प्याज के बाद। मसाले डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम 1 लहसुन बड़ी कली लिए थे उसको पीस लिए हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये हमने पीस लिया था, और 2 कटे हुए टमाटर। इस तरह से आप बड़े बड़े टुकड़े में भी टमाटर काट सकते हैं, क्योंकि ये कुकर में हमें सीटी हम लगा देंगे तो टमाटर एकदम बढ़िया सीसी में गल जाता है इसके लिए। और इसमें हम नमक डालेंगे, नमक हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून की मात्रा लेंगे नमक की। नमक हमें बाद में ज़रूरत लगेगी, तो फिर हम ग्रेवी में जब बनाएंगे तो उसमें भी हल्का सा नमक डाल देंगे। और ये थोड़ा सा हल्का सा पानी जो कि अदरक लहसुन में लगा हुआ था, ये भी डाल मिक्स करके इसी में ये डाल देंगे, और हल्का सा आँच बढ़ा के इसके बाद इसकी सीटी लगा देंगे कुकर की। अब इस तरह से देखिए 2-3 सीटी हमने लगाया हुआ था मसाले में, और इसको खोल के हम देख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्याज टमाटर
आँच थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये इतना गल गया है इसमें अच्छी तरीके से। क्या होता है कि छोले में जब मसाले अच्छे से मैश हो जाते हैं, प्याज व्याज सब मिक्स हो जाती है, तो छोला अच्छा बन जाता है। और इसको मैश हो जाने के बाद इसको हल्का हल्का इस तरह से मैश कर लेंगे कलछुल की मदद से, और उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें मसाले हम गरम मसाले ले रहे हैं 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। इसमें हम गरम मसाले ऐड कर देंगे और बहुत थोड़ी सी मात्रा लाल मिर्ची की, क्योंकि लाल मिर्ची हमने खड़ी भी इसमें डाली है तो ये तीखा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्ची डालेंगे और ये मसाला हम खुला ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए कम से कम 7-8 मिनट तक इसको भुनेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से मसाला एकदम बढ़िया भुन गया, इसमें से तेल एकदम पूरा ऊपर आ गया है। हमने इसको 7-8 मिनट तक मसाला ऐसे ही भुना हुआ था। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 आलू, उबाल के आलू हमने रखा हुआ था, आलू डाल दीजिए। इससे क्या होता है ग्रेवी आपकी थोड़ी और बढ़िया थिक हो जाती है और स्वाद भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और चने डाल देंगे इसमें हम जो उबाल के रखे थे। ये छोले डाल दिए इसमें हमने, और ये अदरक लहसुन का जो थोड़ा सा पानी था मिक्सर में वो हम इसमें डाल देंगे, इससे भी स्वाद बहुत बढ़िया बढ़ के आता है। और हमने इसमें 2 खड़े लहसुन लिए हैं, ये लहसुन हमने धुल के हल्का हल्का साइड से छील लिया था और ये खड़े लहसुन इसमें हम डाल देंगे। लहसुन डाल देने से छोले का जो स्वाद होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसको छोले में ज़रूर डाल के ट्राई कीजिए बना के, और इसको बनाने के बाद इसको जब चूसा जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है इसका। और इसमें हम 1/2 टी नमक डाल देंगे। इसमें पानी हमने डाल दिया है और नमक 1/2 टीस्पून डाल दिया था। इसके बाद हम सीटी लगा देंगे, कम से कम 2 सीटी आने के बाद 5-7 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे हम फिर और पका लेंगे। अब हम कुकर खोल के देख लेंगे कि छोले हमारे कैसे हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया छोला बना है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इसमें ये जो ये देखिए इस तरीके से लहसुन जो डाला था हमने, ये कितना बढ़िया खिल गया है एकदम बहुत अच्छा सा। और जो आलू हमने 2 टुकड़े में किया था इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे चला के इसी में मैश कर दीजिए, तो छोला जो है वो बहुत टेस्टी और अच्छा बन जाता है। इस तरीके से इसका बहुत बढ़िया छोले का कलर आया है और छोला देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से लहसुन एकदम बहुत बढ़िया इसमें खिल के आया और लहसुन का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप छोले बनाएं। कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए, इसमें तेल डाल दिया है और अब हम भटूरा बना लेंगे। भटूरे की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आप चाहे उस तरीके से रख सकते हैं। बहुत बड़ा भटूरा बनाना चाहते हैं तो आप साइज़ बड़ी कर दीजिए, नहीं तो छोटा बना लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना के इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से भटूरा हमने बेल लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ रोटी से थोड़ा सा छोटा रहे और पूड़ी से बड़ा बने तो भटूरा सही साइज़ में बनता है। और तेल अब गर्म हो चला है करीब करीब, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आँच को थोड़ा स्लो कर दीजिए, फिर हम भटूरे डालेंगे। तेल हो गया है बढ़िया एकदम गर्म, इसमें हम भटूरे डाल देंगे। देखिए इस तरीके से भटूरे डाल के एक साइड हो जाए फिर दूसरी साइड पलट के सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरीके से बढ़िया भटूरा एकदम सिक गया। इसी तरीके से भटूरे बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका एकदम बढ़िया छोले और भटूरे और प्याज छल्ला बनके तैयार है। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं इनको लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।